बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निवली और आज के ब्लॉग पर स्टार्ट करने जा रहा हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सुबह तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बादल आ गया लाहौर वाली साइड से, तो अभी बादल बहुत ज़्यादा हुआ, साथ में अंधेरी भी चल रही है। तो ये बच्चे देखे क्या करें, हमारी बहुत अच्छी गुजर गई है। एक तो ट्रेनर दिन हम जौन सा था अपनी अम्मी के घर थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। 3 दिन हम यहाँ ही रहे, रात के 11-12 एक दो बज जाते थे, तेरी बातें करते रहते। साथ में मेहमान भी आए थे, आपको पता है कि हर्ष की बर्थडे थी, उसके नानों के घर से आए थे, उसके नाना अबू आए थे साथ में, और भी मेहमान थे। ये हाशिर और सॉरी मतीन और हिब्बा जौन से हैं, जा रहे हैं दूसरे घर। तो चलो छोड़, रहने तो ना, छोड़ के आना। तो अभी माशाल्लाह अंधेरी चल रही थी, तो अभी हवा ठंडी हो गई है बहुत ज़्यादा। ये देखें कैमरे में तो नहीं इतना ज़ाहिर हो रहा कि ज़्यादा अंधेरी है, मगर जो है असल में बहुत ज़्यादा अंधेरी है। The next day. तो आज ही अगला दिन शुरू हो गया, आज भी बादल है, तो बारिश वाला मौसम हो गया, तो आज मौसम ऐसे ठंडा है। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं और पापा जा रहे हैं लकड़ मंडी, थोड़ी सी लकड़ लेनी है। तो मैं बाइक लेने आया हूँ, बाइक लेके चलते हैं दुकान पे, उधर से पापा को लेके फिर लकड़ मंडी चलते हैं। दुकान पर जी मैं आ गया हूँ, और अब चलते हैं। वो फर्नीचर की सीटें लेके आए हुए हैं, पूरे फर्नीचर की सीटें पड़ी हुई हैं। तो एक ये पूरा फर्नीचर सेट बनवाना था एक बंदे ने, तो उसका ये माल ला कर रखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सीटें हैं, या 19 सीटें एक फर्नीचर को लगती हैं। तो अभी थोड़ा सा और सामान लेके आए थे हम, वो भी आपको दिखाते हैं। रीलिंग वगैरह थी वो यहाँ नहीं पड़े, ये गिल्लू वगैरह वो शॉपर में थे, अलग शॉपर में, आपको अगर मिल गए तो दिखाता हूँ। पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, मिल ही नहीं रहे। ये दो गिल्लू तो लेके आए थे, ये पता है, और साथ में ये क्लब वगैरह बैठ के, और पता नहीं यार कहाँ से चीज़ें रख दी हैं बकाया। ये टहनियाँ सूख गई हैं, ये दो टहनी सूख गई हैं। तो अभी हम शहर की तरफ जा रहे हैं, वो सामने नहर देख के फुल भरी हुई है, मुंह तक पानी आया हुआ है बारिशों की वजह से। इन दिनों में वैसे भी जौन सारा पानी इसका फुल ही होता है। ये जामनू के दरख्त लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी दूर तक लगे हुए हैं, इधर से लोग उतार के भी लेके जाते हैं। जामनू भी काफ़ी ज़्यादा लगे हैं इसके ऊपर, ये देखें ये इस दरख्त पे ज़्यादा लगे हैं। ये लड़के उतार रहे हैं जामनू, चल ये लड़के भी जामनू उतार रहे हैं, वो देख, ये आदमी भी जामनू उतारने आया है। इधर आग जामनू के दरख्त ख़त्म होते हैं, जैसे पीछे से काफ़ी ज़्यादा जामनू के दरख्त हैं, वो सारी लाइन ही जामनू के हमारी तरफ से शुरू होते हैं, जहाँ से हम रोड की सेंटर नीचे हुए मोड़ मुड़े थे उधर से शुरू होते हैं, इधर आग ख़त्म होते हैं। ये मेरे एरिया से हैं, तो ये बंदा मिल गया था उनको, तो वो कह रहा था कि मैंने भी जाना है शहर को, तो इसको ऐसे ले के जा रहे हैं शहर। आज मैं अपने आपको अपने शहर की खूबसूरती दिखाऊंगा। तो ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये फैसलाबाद का कनाल रोड देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, नहीं टेंट नहीं है रखा हुआ अभी तक। ये हम चाल पे पहुंच चुके हैं, ये फ्लाई ओवर है, ये जी अभी हम लाल मिर्च चौक में दाखिल हो गए हैं, ये मस्जिद है इसकी लाल मिर्च चौक में, ये सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है, इसमें सब
सबसे सस्ता कपड़ा मिल सकता है, हर तरह का कपड़ा मिलता है इसमें। यह है जिस तरह स्टूडियो, इसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हैं। इसमें मर्दाना भी हैं और जनाना भी हैं, दोनों तरह के कपड़े मिल जाते हैं। रज़ाइयाँ, पर्दे, सारी चीज़ें, खेस, कंबल वगैरह हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से। ये जी फैसलाबाद का सिटी अड्डा है, देखिए कितना ज़्यादा रश है, बसें खड़ी हैं, ट्रांसपोर्ट का अड्डा है ये। ये सारी बसें खड़ी हैं आगे तक, ये भी अड्डा और एक ये और आ गया अड्डा। ये इसका नहीं नाम मुझे पता, इसका क्या नाम है। ये जी चाइना का आ गई है, इसमें पहले पानी चलता था, अब बंद कर दिया है। ये जी रेलवे का पुराना इंजन पड़ा हुआ है यहाँ, ये पुराने ज़माने में जौन से इंजन चलते होते थे ना, वही इंजन है। ये इन्होंने दिखाने के लिए यहाँ खिलार दिया कि पुराना इंजन पुराने ज़माने में ऐसे चलता था। देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये भी चलता नहीं होगा, जंगल उद हो गया, काफ़ी ज़माने का लग रहा है मुझे तो, अंग्रेज़ों के ज़माने का लग रहा है। देखें मैं दे लगे बच्चा ही लगता हूँ जिन्ना व्डा इंजन है। ये अभी हम गुजर रहे हैं चनाब क्लब चौंक के करीब से, चनाब क्लब चौंक है ये, सामने चनाब क्लब है। ये कंपनी बाग आ गया, इसकी खूबसूरती चेक करें, काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगाए हुए हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है। ये सामने पाकिस्तान का जहाज़ खड़ा है जो जंगों में इस्तेमाल होता है, इसको जंगी जहाज़ कहते हैं। ये है जी लैलपुर का म्यूज़ियम, आपने सबने जयपुर देखा होगा, फैसलाबाद के म्यूज़ियम ने देखा होगा। ये सामने जो सा घोड़ा खड़ा है ना, ये लैलपुर की पट्टियों पे चलता होता था, तो उन्होंने इसका स्टैचू बना कर इधर खड़ा किया हुआ है। ये इसकी हम पूरी वीडियो अंदर जाके बनाएंगे किसी दिन, तो अभी हमने जाना है लकड़ मंडी, तो अभी लकड़ मंडी चलते हैं। ये है जी सामने वो जो सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये हिंदुओं का मंदिर है, जहाँ हिंदू अपनी पूजा वो जो सी कहते हैं बुत परस्ती करते होते थे आगे। तो अभी जी हम लकड़ मंडी आए हैं, तो ये देखो गारा ही गारा बादशाह ने गारा ही गारा गीता गया, ये देखो दरख्त काट के रखे हुए हैं और यहाँ पे आरा चल रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ कम आ रही है। ये फटियाँ लेनी थी, इस वजह से हम लकड़ मंडी आए थे। केबल सही कर रहे थे, हम लकड़ मंडी से आ गए हैं स्मार्टफोन लेने हैं, तो अभी ये सही कर रहे थे केबल, तो वो उधर से कनेक्शन करना था, तो आपको केबल दिखाता हूँ। अरे पुराने केबल चेक कर, सही की थी किया दर्जी बेनी दर्जी। ये देखें मोबीन में 3 कार्टून देख रहे थे, ये देखे केबल फुल एच डी इदा ही है, फुल एच डी है, फुल एच डी है, फुल एच डी है, फुल एच डी है। कदम करते हैं मुझे उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का अच्छा अच्छा लगा, तो लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल मुनीर लाल पुरी को, सामने दिए गए बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।